Good morning, students, and again welcome to our economics class. In our earlier classes, we study about utility analysis. What is the meaning of utility? What are its features? Types of utility, total utility, marginal utility, their meaning and their relations. Now we continue this chapter, consumer equilibrium. In today's class, we study consumer equilibrium. What is its meaning? How we can find it in single commodity model and two commodity model. First we study about the single commodity model. First we discuss about what is consumer equilibrium. हमने जैसे पहले भी बात किया था, consumer equilibrium मतलब कि कोई भी consumer क्या चाहता है, maximum satisfaction. और जब उसमें maximum satisfaction मिलता है, तो उस condition को छोड़ना नहीं चाहता. ये चीज आपके और हमारे साथ day to day life पर भी apply होती है. अगर हमारे को किसी commodity या service के purchase करने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हम उस कंडीशन को कहीं पर भी छोड़ना नहीं चाहते. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है और उस कंडीशन को छोड़ना नहीं चाहता. व्हाट इज इट्स मीनिंग? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए कंडीशन व्हेन ए कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ different units of a commodity or a service and not want to make any change in his existing conditions. जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है और कंज्यूमर उस कंडीशन को छोड़ना नहीं चाहता. The consumer is set to an equilibrium. His income and market price are given. He plans his expenditure of different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. In other words, consumer's equilibrium is the situation where he gets maximum satisfaction from the purchase of commodity and he has no tendency to make any change in his existing conditions. कि जहां पर उसको maximum satisfaction हो रहा है, उसके existing condition में कुछ भी changes करना वो नहीं चाहता. Now, just like other log, we also have some assumptions of this consumer equilibrium. जैसा आपने पहले पढ़ा था, law of diminishing marginal utility given by H.H. Gosen. उसके अंदर हमने कुछ assumptions लिए थे. यहाँ भी हम इसके कुछ assumptions लेकर के चलते हैं. What are the assumptions? First, the consumer is rational. He wants maximization of its satisfaction. Consumer क्या rational? In Hindi, विवेकशील समझदार. अब consumer rational है और वो क्या चाहता है? अपने satisfaction level को maximize करना. नॉर्मली एक कंज्यूमर भी यही चाहता है, आप और मैं हम भी यही चाहते हैं कि हम जहां पर मनी स्पेंड कर रहे हैं वहां से हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, पैसा वसूल. नंबर टू, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल. इट मींस वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. हम कैसे मेजर करते हैं यूटिलिटी? टर्म्स ऑफ मनी. अब किसी भी कॉमोडिटी सर्विस के लिए जो मनी आप पे कर रहे हो, आपको उससे उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी. जैसे एक पेन के लिए आपने 10 रुपीज पे किया या आपने 50 रुपीज पे किया, तो उस पेन से आपको 10 या 50 यूटिल्स के बराबर ही यूटिलिटी मिलेगी. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट. इट मींस एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स विल डिक्रीज. जस्ट लाइक वी सी हियर, जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन कंटिन्यू कर रहा है, उसके मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है. 40, 35, 30, 25, 20, 15. इट मींस द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑपरेटेड हियर. प्राइसेज ऑफ कॉमोडिटी आर गिवन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट. कॉमोडिटी का प्राइस दे रखा है और कॉन्स्टेंट रहता है. जैसा हमने यहां पर लिखा है, प्राइस इज गिवन इज 25 रुपीज पर यूनिट, इट्स गिवन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट. No change in the taste, nature, habit, climatic conditions, etc. Consumer का taste, nature, habit, climatic conditions, hobbies, किसी में कोई change नहीं होगा. तो एक consumer equilibrium कब होगा? कि जब उसकी consumer equilibrium की जो condition है, वो satisfy होगी. What is this condition? That marginal utility equal to the price of the commodity. कि कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल का होगा कि जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइसेस दोनों बराबर होंगे. मतलब उतना ही प्राइस वो पे करेगा जितनी उसको कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है.
अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा प्राइस पे करता है वो, मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती है तो कम प्राइस पे करता है। सपोज इन दैट कंडीशन इफ MUX ग्रेटर देन PX, अब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, अब कंज्यूमर क्या करेगा? इन दैट केस ही विल कंटिन्यू द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी एंड बिकॉज द कंटिन्यूस कंजम्पशन द मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज एंड फाइनली ही रीच द इक्विलिब्रियम पोजिशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर कंज्यूमर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तब क्या करेगा, वो कंटिन्यूस कंजम्पशन करेगा और कंटिन्यूस कंजम्पशन करने पर क्या होगा उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने पर वो लास्ट में इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर आ जाएगा कि जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है। तब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज लेस देन प्राइस, प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है, तो हम मानते चलते हैं कि रेशनल कंज्यूमर नॉर्मल सिचुएशन में यहां पर कंजम्पशन ही नहीं करेगा क्योंकि वो उतनी ही प्राइस ऑफर करेगा जितनी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अगर मान लीजिए एबनॉर्मल कंडीशन है, इमरजेंसी है, तो उस कमोडिटी को ज्यादा प्राइस ऑफर कर सकता है और इन दैट केस MUX इज लेस देन PX, पर जैसे उसके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी उसका कंजम्पशन कम करता जाएगा और कंजम्पशन कम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी एंड फाइनली ही रीच अगेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर इक्वल। नाउ वी सी दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड देन इट डायग्राम। फर्स्ट वी हैव द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, देन मार्जिनल यूटिलिटी 40 35 30 25 20 15। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, हमारे लिए डिक्रीज हो रही, कंटीन्यूअस वे में डिक्रीज हो रही, मींस कंज्यूमर के लिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है। जो कंज्यूमर का लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई हो रहा, मतलब जैसे वो ज्यादा कंजम्पशन करता जा रहा है तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होती भी जा रही है। प्राइस इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, प्राइस कितना है 25 रुपीस, इट्स गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब होगा, व्हेन ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर इक्वल। इफ वी सी द डायग्राम एट फोर्थ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है, सो कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन ही परचेज 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अगर वो फर्स्ट यूनिट लेता है तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है तो कंटिन्यू कंजम्पशन करेगा। सेम थिंग फॉर द सेकंड एंड थर्ड यूनिट। अब फोर्थ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप फिफ्थ यूनिट देखते हैं तो कंज्यूमर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है तो कंज्यूमर इस सिचुएशन पर भी या इस कंडीशन पर भी रहना नहीं चाहेगा। कंज्यूमर कहां पर रहना चाहेगा कि जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर होंगे। सो एट द फोर्थ पॉइंट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। सो आई रिपीट अगेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस ए पोजीशन वेयर कंज्यूमर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन and he not want to make any change in his existing condition. The equilibrium condition is marginal utility equal to the price of the commodity. We see it with the help of schedule where consumer is in equilibrium when he purchases 4 units of the commodity where marginal utility and price both are same. Now we see it with the help of diagram. In the given diagram, on the x-axis we take quantity of x commodity, total 6 unit. So by taking same distance we take 6 point, you can take the distance of either 1.5 cm 2 or either 1 cm as you like, but the distance between these 6 points remains same. On the y axis we take marginal utility and price. The total marginal utility and price is 40, so I write 40 by taking the one line equal to 5. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. It is the marginal utility and price. First we draw the PX line. As we know that price is given and remain constant.
So at the 25, it is a price line, it is a horizontal line parallel to the x-axis. Okay. Then we draw the marginal utility curve. From first unit, it's 40, second 35, third 30, fourth 25, fifth 20, sixth 15. It is a marginal utility curve. The marginal utility curve and price line are equal at E point, where these two curves intersect each other. So this E point is the consumer's equilibrium point. At this point, the consumer will consume 4 units of the commodity, and at this point marginal utility and price both are equal, and these are 25. So it is the consumer equilibrium position, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर कंज्यूमर इसे एक यूनिट ज्यादा लेता है, मान लीजिए कंज्यूमर 5 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा है, तो सिचुएशन में कंज्यूमर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। मैंने जैसे इसको नाम दे दिया ए बी, तो यहां पर कंज्यूमर को ई ए बी ट्रायंगल के बराबर लॉस हो रहा है, क्यों? जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो तो कम है और प्राइस ज्यादा है। So in that case, consumer will face the loss of EAB. And other, and if consumer consume one less unit, in that case, consumer face the loss equal to CDE triangle. अगर consumer 3 units का ही consumption करता है, तो consumer को CDE के बराबर loss होगा। ये देखा जाए तो actual loss नहीं, it is the loss of profit or loss of satisfaction. अगर कंज्यूमर एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करता, तीन की जगह 4 लेता, तो कंज्यूमर को सी पी ई ट्रायंगल के बराबर एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता। अगर कंज्यूमर ऐसा नहीं कर रहा है, तो कंज्यूमर यहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन नहीं कर रहा, एंड ही फेस द लॉस इक्वल टू सी डी ई ट्रायंगल। आई रिपीट अगेन, इट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, where marginal utility and price both are same. If we consume one more or one less unit, in both case he will face the loss. So we find the consumer equilibrium with the help of first schedule and then diagram. So I repeat again, in today's class we study about consumer equilibrium. It is a single commodity model. ये क्या हमारे लिए single commodity model? कि जहाँ पर consumer एक single commodity का consumption कर रहा है, और उसका इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर होंगे। एंड इफ फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड डायग्राम, इफ कंज्यूमर कंज्यूम वन मोर और वन लेस यूनिट, देन ही विल फेस द लॉस। सो आई रिपीट, इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी मॉडल। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल, एंड देन वी स्टार्ट अवर इंडिफरेंस कर्व। थैंक यू।